नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच कल व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान दोनों देशों को नई मजबूती देने और जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। ओवल ऑफिस में दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान बेहद गर्म जोशी दिखी और उनकी केमिस्ट्री अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का नया अध्याय लिख रही थी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक निर्धारित 1 घंटे के बजाय 1.25 घंटे तक चली और कवर किए गए विषयों की इतनी गहराई थी कि बाइडेन ने कहा कि अगली बार जब वो मिलेंगे तो इसे 2 दिनों से ज्यादा के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बाइडेन से मुलाकात के अलावा क्वाड शिखर सम्मेलन बहुत ही व्यवहारिक और उपयोगी था, जो अन्य शिखर सम्मेलनों से काफी अलग था। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें प्रौद्योगिकी, अफगानिस्तान, आतंकवाद, टीके आदि भी शामिल हैं। बहुत जल्द ही क्वाड पहले की तरह भारत से 8 मिलियन बायोटेक टीके शुरू किए जाएंगे। इस द्विपक्षीय बैठक में दोनों की बॉडी लैंग्वेज से एक बात तो साफ हो चुकी है कि दोनों देश नए सिरे से दोस्ती की परिभाषा को गढ़ने और उसे आगे बढ़ाने के लिए बेताब हैं। बाइडेन और पीएम मोदी की इस दोस्ती की छाप अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जल्द ही दिखनी भी शुरू हो जाएगी। अमेरिका के व्हाइट हाउस में आयोजित की गई नई क्वाड देशों की समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के उद्देश्य का जिक्र करते हुए कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम साथ मिलकर काम करने में भरोसा करते हैं। दुनिया के लिए शांति को स्थापित करना हमारा असल उद्देश्य है, साथ ही दुनिया को समृद्धि को और लेकर जाया जाए, इसके लिए हम काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबोधन में आगे कहा कि हम 4 देश साल 2004 के सुनामी में भी बात इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक साथ आए थे, वहीं आज दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है, जिसको देखते हुए हम एक बार फिर क्वाड के रूप में एक साथ मिलकर काम कर मानवता के हित में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा क्वाड कोरोना की लड़ाई से निपटने के लिए काम करेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्वाड बैठक के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा क्वाड हिंद प्रशांत और दुनिया के बीच शांति और समृद्धि लेकर आएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि हम 4 बड़े लोकतांत्रिक देश हैं जिनके बीच सहयोग का लंबा इतिहास रहा है। हम जानते हैं कि लक्ष्य कैसे हासिल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब वो खबर आपको बताएंगे जो आपको काफी प्रेरित करेगी। दरअसल यूपीएससी में ऑल इंडिया टॉप करके बिहार के शुभम कुमार पूरे राज्य ही नहीं बल्कि देश भर के युवाओं के लिए नजीर बन चुके हैं। बता दें इस दौरान इस बार परीक्षा में टॉप करने पर शुभम ने खुशी जताई। शुभम कुमार ने बताया कि वो मूलतः कटिहार जिले के निवासी हैं और फिलहाल पुणे में इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज की ट्रेनिंग कर रहे हैं। दरअसल पिछले साल यूपीएससी की परीक्षा में शुभम को 290 रैंक मिली थी, जिसके बाद वो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज सेवा के लिए चुने गए और फिर आप पुणे में उनका ट्रेनिंग चल रहा है। वहीं शुभम 24 साल के हैं, उन्होंने अपने तीसरे कोशिश में ही यूपीएससी की परीक्षा को टॉप कर लिया है। शुभम ने बताया कि उन्होंने यूपीएससी की तैयारी 2018 में शुरू की थी, जबकि उनकी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई है। शुभम ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई आईआईटी मुंबई से 2018 में पूरी की थी। ऐसे में शुभम ने बताया है कि उन्होंने यूपीएससी की पहली बार परीक्षा 2018 में ही दी थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते और उसके बाद फिर 2019 में उन्होंने दूसरी बार यूपीएससी की परीक्षा दी, जिसमें उन्हें 290 रैंक मिली और फिर वो बॉय इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज सेवा के लिए चुने गए। शुभम ने बताया कि यूपीएससी मेंस की परीक्षा में एंथ्रोपोलॉजी ऑपरेशंस विषय था और ऐसे में बता दें कि शुभम को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। तस्वीर आप देख सकते हैं कितने ज्यादा शुभम खुश हैं, शुभम के दोस्त खुश हैं और साथ ही शुभम का परिवार भी बेहद ही खुश नजर आ रहा है।
फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में कराए गए अनेक कार्य सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर राज्य मंत्री चौधरी उद्यभान सिंह ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे द्वारा फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में अनेक कार्य कराए गए हैं और इस दौरान राज्य मंत्री के द्वारा एक किताब का विमोचन भी किया गया, जिसमें विधानसभा फतेहपुर सीकरी में 4.5 साल के कार्यों का विवरण भी किया गया है। इस दौरान बता दें, राज्य मंत्री चौधरी उद्यभान सिंह ने कहा कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में वो सभी कार्य कराए गए हैं जो अन्य सरकारें नहीं करवा सकी है। विपक्षी पार्टियां अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ऐसी पार्टी है जो कि हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ चलती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने परचम लहराया था, ठीक उसी तरह हमारी पार्टी 2022 में भी दोबारा से सरकार बनाएगी। ...2017 में मैं और मेरी पार्टी मतदाताओं के बीच में जो वायदा किया था घोषणा पत्र के माध्यम से, उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे, सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की पूरी ईमानदारी से सफल और सार्थक प्रयास करेंगे। उसी के साथ मैंने पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में फतेहपुर सीकरी के मतदाताओं को आश्वस्त किया था, वचन दिया था कि मैं फतेहपुर सीकरी के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए और फतेहपुर सीकरी को सर्वोत्तम विधानसभा बनाने का सफल और सार्थक प्रयास करूंगा। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मैंने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की है। सफलता का रिपोर्ट कार्ड मैंने इस पुस्तक के माध्यम से, इसके अंदर बूथ वाइज 403 बूथ हैं। बरेली में युवाओं को बेहतर रोजगार का अधिकार दिलाने की मांगों को लेकर वीर शक्ति युवा सेवा समिति ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से समिति के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि कोरोना महामारी में जहां लोगों को अपने व्यवसाय में नुकसान हुआ और बाहर से लोग काम छोड़कर अपने शहर को लौट आए हैं, और जो लोग अब कोरोना महामारी के चलते काम करने अपने शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते और जिन्हें रोजगार की बहुत आवश्यकता है, उन्हें अपने ही शहर में रोजगार का अवसर मिले। एक और तो सरकार ने बरेली शहर के लिए कई औद्योगिक कार्य कराए हैं, कई फैक्ट्रियां लगाई हैं, लेकिन समिति के लोगों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र के बाहर युवाओं का काम दिया जा रहा है, साथ ही शहर के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। साथ ही समिति का कहना है कि युवाओं को उनका अधिकार मिले, बरेली शहर के युवाओं को बरेली में ही औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार का मौका दिया जाए, जिससे वो अपनी आजीविका को सही ढंग से चला सके। वहीं समिति के लोगों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो आगे और संघर्ष वो करेंगे। बेरोजगारी के लिए, क्योंकि जो हमारे क्षेत्र में फैक्ट्रियां बढ़ती जा रही हैं और ये लोग जब फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मांग करने के लिए जाते हैं तो ये लोग उनको गलत अपर्दा से पेश आते हैं और कहते हैं हम आप लोगों को तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास फुल नौकरियां पे जो भी व्यक्ति लगते हैं वो हमारे पास आए, क्योंकि ऑलरेडी हमने जब जांच करवाई लोगों से तो कहते हैं, हमने अंदर के लोगों से बात करी तो वहाँ के क्षेत्रों से बात करी तो कहते हैं बाहर के लोग जितने भी लेके आ सकते हैं और उनको भी रखा इन्होंने, और कहते हैं हमें लोकल लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से कर्मचारी हैं हमारे पास। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि बरेली में औद्योगिक क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बरेली के ही युवा और क्षेत्र के लोग बेरोजगार हैं। सरकार से तो सरकारी नौकरी की आस हम भूल ही चुके हैं, लेकिन कम से कम जो प्राइवेटेशन क्षेत्र में हम लोगों का रोजगार अधिकार है उसे तो दिया जाए। सारे बाहरी लोग लगाए जा रहे हैं, क्षेत्र के लोगों को भुखमरी में ढकेला जा रहा है। लॉकडाउन के बाद कोई भी व्यक्ति बाहर काम करने जा तो नहीं सकता है, क्योंकि कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसे, अपना रोजगार संचालन करने के लिए इतना बिजनेस भी नहीं है उसके पास, तो वो क्षेत्र की फैक्ट्रियों में काम ढूंढ रहा है, लेकिन क्षेत्र की फैक्ट्री वालों का रुख इतना
खराब है कि उनको ना ही रोजगार दे रहे हैं बल्कि उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आज किससे ज्ञापन दिया? आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला प्रशासन जी को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि हमारे इस ज्ञापन पर संज्ञान लें, अन्यथा हमें फैक्ट्रियां घेरने का काम करना पड़ेगा। कानपुर देहात में 27 सितंबर को वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। जी हां, बता दें 53,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता और मुख्य विकास अधिकारी सौम्य पांडे की उपस्थिति में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। गोल्डन कार्ड इत्यादि जल कल्याण योजना की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लगातार की जा रही है और इसी क्रम में शुक्रवार को भी इसका आयोजन किया गया। इस बैठक में सर्वप्रथम जिलाधिकारी को डॉक्टर महेंद्र जतारिया ने बताया कि जनपद में 27 सितंबर को वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा जिसमें 53,000 लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वही जिलाधिकारी को गोल्डन कार्ड की जानकारी देते हुए डॉक्टर सुखलाल वर्मा ने बताया कि गुरुवार को जनपद में 1119 गोल्डन कार्ड बनाए गए थे। वही जिलाधिकारी ने इस पर निर्देशित किया है कि प्रत्येक आयुष्मान मित्र कम से कम प्रतिदिन 100 गोल्डन कार्ड बनाने का लक्ष्य तय करें। वही सभी निजी अस्पताल और CHC प्रतिमा महा को 200 से ज्यादा गोल्डन कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज देने का भी लक्ष्य तय करें। वही सभी PSC और 100 से ज्यादा लाभार्थियों को इसका लाभ पहुंचाए। सितंबर महीने में ये भी स्वास्थ्य संबंधी संस्थान कम से कम 50 गोल्डन कार्ड धारक मरीजों को सभी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं। वहीं जिलाधिकारी को सहायक श्रमायुक्त द्वारा बताया गया कि गुरुवार को 772 कर्मकार श्रमिक इत्यादि का पंजीयन कराया गया था। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि इसमें और प्रगति लाई जाए। वहीं जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व साहब लाल को निर्देशित किया कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जिन लोगों के मकान आदि का नुकसान हुआ है उन्हें आपदा राहत कोष से लाभान्वित किया जाए। वहीं जिलाधिकारी ने DPRO को निर्देशित करते हुए कहा कि बारिश का मौसम चल रहा है, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव ना हो पाए और इसका भी ध्यान दिया जाए, साथ ही साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाए। इस मौके पर अन्य बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। वहीं लखीमपुर खीरी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, लखीमपुर खीरी पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ मिली है। दरअसल खीरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शस्त्र बनाते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। ताजा मामला लखीमपुर खीरी के भीरा कोतवाली क्षेत्र का है जहां पर मुखबिर की सूचना पर भीरा पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को अवैध गन्ने के खेत से अवैध शस्त्र बनाते पकड़ा गया है। अभियुक्तों के पास से शस्त्र बनाने के उपकरण, अवैध तमंचे समेत कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि भीरा थाना प्रभारी अजय कुमार राय ने बताया है कि दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। थाना भीरा पुलिस टीम के द्वारा 2 व्यक्तियों को, जिनके नाम हरिश्चंद्र और प्रमोद हैं, उनको अवैध शस्त्र बनाते वक्त गिरफ्तार किया गया और इन व्यक्तियों के पास से 5 अवैध तमंचे, शस्त्र बनाने के उपकरण और शस्त्र बनाने में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल काफ़ी मात्रा में बरामद हुआ है। इन 2 व्यक्तियों में के विरुद्ध पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं और इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी अन्य जनपदों से और आसपास के थानों से भी जानकारी की जा रही है। वहीं सुल्तानपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने PWD के निरीक्षण भवन में शिक्षा विभाग के मंडल के अधिकारियों के साथ कई जिलों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ उन्हें विस्तृत चर्चा की। इससे के पहले बता दें लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन पहुंचने पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को माला पहनाकर बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। समीक्षा बैठक के उपरांत
पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग के मंडल जो कि अधिकारियों के साथ कई जिलों समीक्षा हुई, जिसमें वो हमारा परीक्षा चल रही है उसमें अंक शोधन की उनकी प्रगति और जो संस्कृत के विद्यालय हैं उनमें पठन पाठन की प्रक्रिया और रिक्त पद हैं उनके संदर्भ में विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि आने वाले बोर्ड परीक्षा और ऑफलाइन टीचिंग के संदर्भ में भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है, उनकी समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था को लेकर अयोध्या मंडल, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और आसपास के जिलों की समीक्षा प्रशासनिक अधिकारियों, संगठन के पदाधिकारियों और विधायकों के साथ की गई। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का त्वरित गति से लाभ जनता को मिल सके, इसके लिए उसका प्रयास है कि शीघ्र से शीघ्र योजनाओं का शिलान्यास किया जा सके, जिससे वो योजनाएं सीधे जनता तक पहुंच सके। इसके बाद बता दें, उप मुख्यमंत्री लंबुआ विधायक देवमणि द्विवेदी के आवास सूर्यभान पट्टी गांव के लिए रवाना हो गए। तो बता दें, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सुल्तानपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनता के सामने सरकार के कामकाज जो है वो रखा और ऐसे में सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे इस बारे में भी अधिकारियों को निर्देश दिए। अधिकारियों को कहा कि जल्द से जल्द जनता के सामने सरकार की जो भी योजना है उनका लाभ जल्द से जल्द लोगों को पहुंचे और लोगों को मिले उन योजनाओं का लाभ। इसके लिए काम जो है उसी तरीके से किया जाए, जिससे जनता जो है वो जल्द से जल्द हर सुविधा वो पा सके जिससे अभी तक वो वंचित है। नीचर क्या जो शिक्षा विभाग का मंडल के अधिकारी थे उनसे विभिन्न जिलों की समीक्षा, जो हमारी परीक्षाएं चल रही अंक शोधन की, उनकी प्रगति और जो संस्कृत के विद्यालय हैं उनके पठन पाठन की प्रक्रिया और उनमें जल्दी से एक जो रिक्त पद हैं सारे अच्छा काम करने लगे और साथ में जो हमारा सत्र का नियमितीकरण है और आगामी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए जो ऑफलाइन टीचिंग हमारी शुरू हुई है, वो जो उच्च शिक्षा विभाग में है, जो संबंधित विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत आते हैं, महाविद्यालय आते हैं, कुछ महाविद्यालय ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय के द्वारा अब सीधे नए संचालित किए जाने हैं, इन सब के बारे में विस्तृत आज समीक्षा हुई है। उसके बाद सुल्तानपुर के संदर्भ में से तो आसपास के अयोध्या है, अम्बेडकर नगर है, आपका सुल्तानपुर है, इन ये सारे जिलों का भी समीक्षा किया गया था। कानून व्यवस्था के संदर्भ में जिले के जो हमारे विधायकगण हैं, जिला का हमारा संगठन है, उनके साथ में जो समीक्षा थी जिला प्रशासन के वो की गई है और जो जनता जो केंद्र और प्रदेश सरकार के जो कार्य हैं वो जनता तक पहुँचें, जो हमारे कार्य योजनाएँ हैं उनके जल्दी से जल्दी शिलान्यास हों, उनका जल्दी से जल्दी लोकार्पण हो और जनता तक उनकी पहुँच सके, जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ तेजी के साथ यहां पर मिला है जनता को, लाभार्थियों को, और उसकी गति और तेज हो इसके लिए आज हम लोग की बैठक संपादित हुई। अभी हम लंबुआ जाएंगे, उसके बाद गाजीपुर में हमारे कई कार्यक्रम है। सर, सुल्तानपुर आए मुख्यमंत्री, जनता के लिए कोई ऐसा आगामी चुनाव को लेकर कोई ऐसा संदेश? नहीं, अच्छा वातावरण है और मुझे खुशी है कि चाहे यहाँ पर गैस के कनेक्शन देने का हो, प्रधानमंत्री आवास देने का हो, यहाँ पर शौचालय का निर्माण का हो, या सरकार की विभिन्न प्रकार अन्य वितरण की योजना या किसान सम्मान निधि हो, सभी की प्रगति बहुत अच्छी थी जिसको अभी हम लोगों ने किया है। सर, अगर बात की जाए तो विपक्ष आप पर हमलावर है लगातार, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि शिक्षा मित्रों को नियमितीकरण करेंगे, अखिलेश यादव ने अभी घोषणा की, और पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, क्या इस पर कोई जोर? लगता है कि जो अपने शासनकाल में जो विसंगतियाँ जिन लोगों ने करी हैं उसकी शुद्धि का उपाय उनके पास में नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी सरकार थी जिसमें सबको बेरोजगार नहीं होने दिया गया और निश्चित रूप में चाहे वो शिक्षा क्षेत्र के हों, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र के हों,
या अन्य वो 1.5 लाख से ऊपर अभी शिक्षकों की भर्ती हमारी सरकार में की गई है और 1,37,000 पुलिसकर्मियों की गई है। 4.5 लाख लोगों की पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है और 1,61,00,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार दिया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और लघु उद्योगों के माध्यम से या अन्य जगहों के जो ऋण को दिया गया है। तो ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास किया है उसके आगे विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं है, इसलिए वो जातिवाद संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद के आधार पर फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जाहिर सी बात ये मिलकर लड़े थे तब पराजित हुए थे, अलग अलग लड़े थे तब पराजित हुए थे, अब ये सब मिलकर फिर लड़ें। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी का जो पिछला रिकॉर्ड था सरकार बनाने का वो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात मौसम की कर लेते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों समेत देश के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा आने वाले 5 दिनों तक देश के कई इलाकों में लगातार मानसून के बरसने का आसार है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई इलाकों समेत राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, कोंकण, छत्तीसगढ़ और झारखंड के ज्यादातर इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को उमस से काफी राहत मिलने की भी संभावना है। वहीं तापमान में गिरावट देखी जाएगी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभी भी बारिश का दौर जारी है। यहां दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली, यमुनानगर समेत कई इलाकों में गुरुवार शाम से ही बारिश रुक रुक कर हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग की माने तो अगले 4 से 5 दिन तक दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। आईपीएल 2021 के 35वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया है। इस सीजन में आरसीबी के ये लगातार दूसरी हार है। बैंगलोर ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 6 विकेट पर 156 रन बनाए थे। इसके जवाब में चेन्नई ने 4 विकेट खोकर 11 गेंद पहले ही लक्ष्य का पीछा कर लिया। चेन्नई के सीजन में 9 मैचों में ये 7वीं जीत है। इसके साथ ही बता दें वो पॉइंट टेबल में 14 अंकों के साथ पहले नंबर पहुंच गई है। चेन्नई के लिए सलामी बल्लेबाजी ऋतुराज गायकवाड़ ने 26 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की बदौलत 38 रन बनाए। वहीं फॉफ डू पैलेसिस ने 26 गेंदों में 31 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौकों और 2 छक्के जड़े। इसके बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मोइन अली ने 23 और 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए अनबाती राजू ने 32 रन बनाए। वहीं अंत में सुरेश रैना 10 गेंदों में 17 रन और एमएस धोनी 9 गेंदों में 11 रनों पर नाबाद रहे। रैना ने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। वहीं धोनी ने 2 चौके ही लगाए। उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के तहत सोशल मीडिया को भी भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत कर रही है। इसी के तहत 1 दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन देहरादून में किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप जलाकर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। पार्टी का पक्ष सही तरह से जनता के बीच में जाए, इसको देखते हुए कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें सोशल मीडिया के प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो सही प्रकार से लोगों के बीच में पार्टी का पक्ष जाए, सरकार का पक्ष जाए, उसके लिए लगातार समय समय पर इस प्रकार की वर्कशॉप होती रहती है और इसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से और प्रदेश के विभिन्न कोनों से लोग आए हैं जो लगातार इस कार्यशाला में भाग लेंगे और जो पार्टी की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। सभी को सभी के बीच में आके हमने भी शुभकामनाएँ दी हैं कि वो और अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं।
पड़ोसी राज्य में हिमाचल में बढ़ते कोविड के मामलों के बाद उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से एसओपी जारी की गई है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और सभी अस्पतालों में पूरी तैयारियां की गई है। भारत सरकार की ओर से जारी एसओपी का प्रदेश में पूरा पालन किया जा रहा है। साथ ही कई जगहों पर कोविड टेस्टिंग नहीं हो रही थी, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री नाराज भी थे और अधिकारियों को कोविड टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।